दोस्तों, क्या आप भी योनो SBI एप्लीकेशन यूज करते हैं, यानी कि वहां पर आपने अपना यूजर आईडी और पासवर्ड आपने बना के रखा है और आप उसे पिछले कुछ सालों से, कुछ महीनों से, कुछ दिनों से यूज कर रहे हैं और अब आप जब उसे ओपन करते हैं और आप अपने प्रोफाइल पासवर्ड को देखते हैं या अपने लॉगिन पासवर्ड को रीसेट करते हैं, यूजर नेम आप पता करना चाहते हैं, तो आपके सामने क्या कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाता है, या फिर अपने ईमेल आईडी को आप यहां पर कस्टमाइज करना चाहते हैं यानी कि अपडेट करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी कुछ डिटेल्स को अपडेट करना चाहते हैं और आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, योर प्रोफाइल पासवर्ड हैज एक्सपायर्ड, प्लीज चेंज योर पासवर्ड टू कंटिन्यू, इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या रीजन है और क्या हमें अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा और जो पुराना वाला है वो काम नहीं करेगा। तो यहां पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपना योनो SBI एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। जैसे आप अपना योनो SBI एप्लीकेशन ओपन करेंगे, इस तरीके से आपका योनो SBI एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। अब यहां पर हम आपको बता दें कि जो आपका प्रोफाइल पासवर्ड होगा, अगर आपका एक साल पुराना का प्रोफाइल पासवर्ड बना है तो उसे आपको अपडेट करना पड़ेगा। यह SBI बैंक के गाइडलाइंस में है कि आप अपने जो आपका प्रोफाइल पासवर्ड है और आपका जो लॉगिन पासवर्ड है वो आपका एक साल से ज़्यादा दिन का नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक साल से ज़्यादा दिन का हो गया है, या कुछ अकाउंट्स में आपको ये भी होगा कि आपका जो आपका प्रोफाइल पासवर्ड है वो आपका 6 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, अपना प्रोफाइल पासवर्ड आप हमेशा नया बनाकर रखेंगे और उसे आप 6 महीने में या फिर आप एक साल में ज़रूर चेंज करेंगे, तो वही रीज़न आपको यहाँ पर भी बताया गया है। तो हम यहाँ पर अपना लॉगिन पिन इंटर कर लेते हैं। जैसे हम लॉगिन पिन यहाँ पर इंटर करेंगे तो हमारे सामने वही हमारा अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, तो हम यहाँ पर सर्विस पर जब मैंने क्लिक किया था तो मैंने यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड पर मैंने क्लिक किया था, प्रोफाइल पर, और यहाँ पर मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पर एडिट कर रहा था तो हमारे सामने ये वाला पेज आ रहा था, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चेंज ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर चेंज नहीं करेंगे तो अपनी प्रोफाइल को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको चेंज नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप चेंज नाउ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपसे अपना पुराना वाला पासवर्ड आपसे पूछा जाएगा, यानी कि पुराना वाला जो आपका पासवर्ड था वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। लेकिन अगर आप पुराना वाला पासवर्ड भूल गए हैं तो फिर आपको यहाँ पर मिलेगा फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन, और आप फॉरगेट पासवर्ड पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे ATM कार्ड की डिटेल्स मांगी जाएगी और आपका एक नया पासवर्ड यहाँ पर बन जाएगा। तो हम यहाँ पर पुराना वाला पासवर्ड एंटर करते हैं, हमें याद है, अगर वर्क नहीं करता है तो हम फॉरगेट पर क्लिक करेंगे। अपना पुराना वाला प्रोफाइल पासवर्ड एंटर कर दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं कंटिन्यू करके, यानी कि नेक्स्ट करके, अगर हमारा पुराना वाला पासवर्ड सही होगा तो हमारे सामने नया पेज निकल के आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमारे पास मैसेज भी आ गया है कि आपका जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल को किसी ने ओपन किया है, तो यहाँ पर एक अलर्ट आया हुआ है, तो मैंने ही ओपन किया है। अब यहाँ पर आपसे बोलेगा इंटर डिटेल्स टू न्यू पासवर्ड। अब यहाँ पर आपको अपना एक नया पासवर्ड बना लेना है, जो भी आप पासवर्ड को बनाना चाहते हैं। आपके पासवर्ड में लगभग ये आपके गणित के अंक और ये इंग्लिश के अंक, और उसके बाद आपका ये भी उसमें होना चाहिए, तो आपका जो पासवर्ड होगा वो एक स्ट्रांग बनेगा। तो हम यहां पर अपना पासवर्ड एंटर कर लेते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, आपके पास एक OTP आएगा मोबाइल नंबर पर, वो आप कॉपी करिए और वो OTP आप यहां पर एंटर कर दीजिए और उसके बाद सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे, आपका प्रोफाइल पासवर्ड यहां पर सक्सेसफुल रीसेट हो जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा होगा, और उसके बाद गो टू लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके प्रोफाइल का पासवर्ड चेंज हो गया है, अब आप अपना फिर से लॉगिन करिए और जो भी अपने प्रोफाइल पर अपडेट करना चाहते हैं अब आप अपडेट कर सकते हैं, अपना यही वाला प्रोफाइल पासवर्ड डालकर। मैं आशा करूंगा आप जान गए होंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।